मोदी 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 ऐसा सब बोलेंगे मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर। मैं मंच की तरफ से और आप सबकी तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मोदी 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 जी, तुम संघर्ष करो मोदी जी, संघर्ष करो मोदी जी, तुम संघर्ष करो मोदी जी, तुम संघर्ष करो मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत अभिनंदन मोदी जी का, योगी जी का इस मेरठ की धरती पर, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी से मिल रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितना मंचासीन है सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत बड़ी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मोदी जी बारी बारी सभी से मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी से। मोदी जी मोदी 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 जी, तुम संघर्ष करो मोदी जी, तुम संघर्ष करो। दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा आज आपके बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं आपकी तरफ से भी सभी मंचासीन, सभी पत्रकार बंधुओं की तरफ से, सभी की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब मैं स्वागत की इस कड़ी में मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। शॉल एवं ओड़ी ओपी से आप स्वागत करें, शॉल उड़ाकर स्वागत करें। मुख्यमंत्री द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, सभी अभिनंदन करें, ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ स्वागत के लिए, कि वह हल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत हो रहा है किसानों का हल। हम सबको याद होगा जब हल चलाकर खेतों में बुआई करी जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं हमारे पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया जी, क्षेत्र के प्रभारी, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी स्वात यदुवंश जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर से स्वागत करें।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राम मंदिर दिया जा रहा है, उसे स्वागत करा जा रहा है। अयोध्या की धरती पर विशाल राम मंदिर बनवा के, राम लला का मंदिर बनवा के एक इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत स्वागत करें। अब बहनों की तरफ से माननीय सभी हमारी बहनें मंच पर विराजमान हैं, वो भी स्वागत करें, पुष्प और गुच्छ देकर स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। आदरणीय सभी मंच आसीन सभी बहनें आगे आके सब स्वागत करें। सभी बड़ी माला से स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, बड़ी माला से स्वागत करें। सभी लोगों का से आग्रह है कि इस स्वागत की कड़ी में बड़ी माला से स्वागत होना है, उससे स्वागत करें। बहन, जितनी हमारी बहन मंच पर विराजमान है, सब बहनें आगर आए, बड़ी माला से स्वागत करेंगी सभी बहनें। आए सभी हमारे भाई भी शामिल हो, हमारी सभी बहन, हमारी मंच पर विराजमान हमारी विधायक मंजू शिवा जी, सरोजनी अग्रवाल जी, जिला पंचायत की सदस्य, जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी माला से स्वागत हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी जी, बड़ी माला से ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अब मैं आमंत्रित करती हूं जयंत चौधरी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल। आज मेरठ की क्रांति भूमि, वीरों की धरती, किसानों की धरती, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि पे आयोजित चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विराजमान हैं, हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सैनी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के दल के नेतागण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और सामने बैठे इस जनसमूह को मेरी राम राम। आपने देखा होगा कल एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने भारत रत्न का वो चिन्ह स्वीकार किया और मैं सोच रहा था वह चिन्ह मेरे हाथों में गया, वो प्रतीक, वह सम्मान, लेकिन वह असली गाड़ी कमाई देश के किसानों की है, खमेरों की है, उस नौजवान की है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारत की सेनाओं में सेवा करता है, उस सामाजिक कार्यकर्ता की है जो देश में सबसे गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए मेहनत करता है, हर एक उस नौजवान की है जो एक सपना देखता है अपने समाज को, समाज के और परिवार के लिए बेहतर रास्ते खोलने के, उसके लिए संघर्ष करता है। आपको और हमें आज देश जिस पड़ाव पे है सोचना होगा और खास तौर से मेरठ वासियों को, कोई तो कारण होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने
भारत रत्न के उस कार्यक्रम के बाद पहला पड़ाव था, तो उस पहला पड़ाव उन्होंने मेरठ की धरती को चुना कि मेरठ के लोगों के पास मैं जाऊं और देश के लिए अपना संदेश दूं। मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, कल जब वो समारोह समाप्त हुआ तो अल्प समय व्यक्तिगत मेरी भेंट प्रधानमंत्री जी से हुई और उस कम समय में भी किसानों के प्रति उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को वो मानते हैं, और मैं समझता हूं कि इसलिए भी हमें खुश होना चाहिए कि मेरठ चौधरी साहब की कर्मभूमि है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। ये निर्णय, ये साहसी फैसला, ऐतिहासिक निर्णय आपके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसलिए भी लिया, वो भी जानते हैं चौधरी साहब का कितना बड़ा योगदान राष्ट्र निर्माण में रहा। वो ये भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी गुजरात को अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन शैली की पीठ मानते थे। जो भी समाज सुधार का काम चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे करना, वह उन्होंने दयानंद सरस्वती जी से सीखा और उनसे प्रेरणा ली। हीरो वर्शिप एक मॉडर्न टर्म है। यहां भी मैं बैठा बैठा देख रहा था प्रधानमंत्री का नाम, सारे लोग बार बार, एक गूंज उठ रही थी उनका नाम, बार बार नौजवान ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, फिर सुनाओ, ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। ये भी एक गहरे विश्वास का प्रतीक है, इसे हीरो वर्शिप भी कह सकते। इस हीरो वर्शिप से चौधरी चरण सिंह जी भी अछूते नहीं थे। एक ऐसे नेता थे जिनको चौधरी चरण सिंह जी अगर आदर्श मानते वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए इस नाते को प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह भली भांति समझते हैं और उनकी मंशा है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया कि चौधरी चरण सिंह जी की वास्तव में जो विचारधारा, जो वास्तव में उनकी विरासत, जिसको आप सब लोग संभाल रहे हो, उसे और आगे बढ़ाना है। चौधरी चरण सिंह जी दो तीन विषयों को लेकर बेहद गंभीर होते थे, बहुत कम समय में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। नंबर वन क्या था? करप्शन, भ्रष्टाचार। जिस तरह तालाब में अगर एक कमल का फूल कहीं खिलता है, दूर से दिखाई देता है, दूर से उसका सौंदर्य एक कमल के फूल का दिखाई देगा कि नहीं देगा आपको? एक तालाब में एक फूल अगर खिल रहा हो, चौधरी साहब यही मानते थे कि जो नेता होता है, जो बड़े पद पे बैठा है, बड़े पदभार को संभाल रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। एक किस्सा मैं चौधरी साहब का बताना चाहता हूं। हमीरपुर जिले का 13 मार्च 1962 की तारीख, चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, वहां सर्किट हाउस पे रुके हुए थे। रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था, चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी, लखनऊ उनको लौटना था। उन्होंने ड्राइवर को कहा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापिस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं, गंभीर आरोप के बाद भी, जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। तो चौधरी साहब की उस ईमानदारी को याद करते हुए और उसमें जो कड़ियां जुड़ी हैं, हमने देखा है 10 वर्ष में क्या कड़ियां जुड़ी हैं। जो राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए का सरकारी योजना का पैसा धरातल पे कितना पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है,
आज हम देखते हैं केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई प्राथमिकता बनाती है, कोई योजना बनाती है, कोई निवेश करती है, तो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी का प्रतीक है, यही उनके ईमानदारी और नैतिकता का बढ़िया उदाहरण जो सरकार करके दिखा रही है। और फिर चौधरी साहब जातीय भेद के खिलाफ थे, लिंग भेद के खिलाफ थे, और वे चाहते थे किसान, क्योंकि उस समय के देश में गांव और किसान देश की जड़ों में था। मुख्य धारा में अगर किसान नहीं खड़ा होता, गांव का विकास नहीं होता, तो देश आगे नहीं जा सकता। उसी उद्देश्य के साथ एनडीए को ताकत देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ अपनी बड़ी भूमिका को अदा करेगा। 2014 में भी प्रधानमंत्री जी ने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ की धरती से की थी, और आज हम सब लोग मिलकर बहुत उम्मीद के साथ आए। मेरठ अकेला जिला ही नहीं, कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। लोकदल वाले लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी आपसे चंदा लेते थे मेरठ के लोगों से, और ओडिशा तक चुनाव लड़ते। तो जहां मेरठ तय करेगा, तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वो नेता जो भविष्य को समझते हैं कि भविष्य में क्या होगा और समाज और देश को उसके लिए तैयार करते हैं चुनौतियों के लिए, उनकी बातें हमेशा इतिहास में पन्नों पे दर्ज हो जाती है। आने वाले समय में जब अवलोकन होगा इस दौर का, जो तीसरा बड़ा मैंडेट देश की जनता मोदी जी को और एनडीए को देने वाली है, तो कहा जाएगा, क्या जानो तुम अपने दौर से कितना लड़ा हूं मैं, समय की भीति पर काल का एक पत्थर सा जड़ा हूं मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर। अब मैं आग्रह करती हूं सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो आए अपने आशीष वचन से हम सबको आशीर्वाद दें। बाबा ओघड़नाथ की पावन भूमि मेरठ में देश के प्रथम स्वातंत्र समर 1857 के अमर सेनानी कोतवाल धन सिंह गुर्जर की शहादत की इस पावन धरा पर मैं आप मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और हापुड़ से आए हुए आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आभारी हूं और उत्तर प्रदेश आभारी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 के बाद
देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके हम सबको, वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक नए भारत का दर्शन कराया है। और हम सब आभारी भी हैं, कल ही किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान दे करके आपने किसानों का जो सम्मान किया है, पूरा उत्तर प्रदेश और देश का अन्नदाता किसान, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश जब अपनी आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है, तब इस देश को यशस्वी नेतृत्व के रूप में 10 वर्ष से मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर जब आपने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के रैली का शुभारंभ के लिए बाबा अवगणनाथ की धरा को चुना है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजीव बालियान जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, अध्यक्ष सुहेलदेव राजभर पार्टी और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मेरठ से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, कैराना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप चौधरी जी, लोकसभा बिजनौर से एनडीए के प्रत्याशी चंदन चौहान जी, बागपत से प्रत्याशी श्री राजकुमार सांगवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और भारी संख्या में इस चुनावी सभा का शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि मेरठ की इस क्रांति धारा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार अभियान के शुभारंभ के लिए चुना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में जैसे देश के अंदर उन्होंने एक नए भारत का दर्शन कराया है, उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे
उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और मेरठ इसके लिए आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरठ में विकास की इतनी सारी सौगातें दी हैं, 12 लेन का हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे हो या रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या ओडीओपी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का कार्य हो, यहां की कनेक्टिविटी को चाहे वह रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की हो, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी का हो, इन सबको एक नए आयाम की ओर जहां आप ले जाने का काम किए हैं, वहीं साथ ही साथ इस क्षेत्र में आपके मार्गदर्शन में अन्नदाता किसानों के लिए भी जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, मात्र 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके खातों में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो पाया है। मोदीनपुर की चीनी मिल का पुनरुद्धार का कार्य हुआ है। सरदेव चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल को नए सिरे से बनाने का कार्य भी हुआ है। और यही नहीं, आज इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यह क्षेत्र इस बात का गवाह है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है, उनके कर्फ्यू के उन यातनाओं को झेला है। और बहनों भाइयों, जब भी ये समाज जाति के नाम पर बटा होगा, तमाम परिवारवादियों के माध्यम से समाज को बांटने का कुछ ही चेष्टा होगी, उसका खामियाजा ये दंगावादी और कर्फ्यूवादी लोग उठा करके न केवल आपकी आजीविका पर प्रहार करेंगे, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर प्रहार करेंगे, बल्कि इनके माध्यम से यहां के विकास को बाधित करने का भी प्रयास होगा। आज यही कारण है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन लोगों को फिर से सही जगह दिखाने का समय है जिन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है, माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है, भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस के बीच का है, तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच का है, स्वार्थ के परिवार बनाम मोदी के परिवार के बीच का है, जातिवाद बनाम गरीब कल्याण के बीच का है। एक तरफ विकास को लेकर के चलने वाली सरकार और दूसरी तरफ षड्यंत्र हजार करने वाले वह नापाक गठबंधन के लोग जो तमाम प्रकार की भ्रम की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है और वह आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है।
क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। और बंधु, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में अपना आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को। आज फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव का शुभारंभ करने के लिए इस क्रांति धरा पर आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें जो मिलेगा, उनके संदेश को घर घर तक हम लेकर के जाएंगे और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। अब आप जिनका बेसब्री से इंतजार था, उनको मैं आमंत्रित करने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगी, भरा नहीं भावों से जो जिसमें बहती रसधार नहीं, मानव नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं। तो ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी से जो निकालने के लिए जो बहुत परिश्रम करा है, बहुत संघर्ष करा है, 25 करोड़ गरीबी की रेखा से उन्होंने जो है बाहर निकाला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में 5 तीर्थ स्थल बनवाकर जो दलित समाज को जो सम्मान दिया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जो नारी शक्ति का 14 से आप लोगों ने देखा होगा जो सम्मान देते आए हैं, और नारी शक्ति अभिनंदन बिल जो पास किया है, उनका इस मंच से और सभी महिलाओं की तरफ से अपने देश की आबादी आदि आबादी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोदी जी का भारत माता की, भारत माता की, आप सबको राम राम। मेरठ की यह धरती
क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। २०२४ का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है।
भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोडमैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कांगना और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली।
साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में वन रैंक वन पेंशन लागू होगा ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी, ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन लागू किया बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। साथियों, 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था, आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है, और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथियों, ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है, और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है, और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो इसलिए हमने 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो इसलिए हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान हमने लौटाया है। ये हमारी सरकार है जिसने 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है
जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। ये हमारी सरकार है जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्ष देश में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। देश में करोड़ों बहनों बेटियों को हमने पहली बार उद्यमी बनाया, उनके लिए फौज के दूसरी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए। पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, इसमें आज बेटियों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। मुद्रा योजना ने करोड़ों बहनों को पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है। पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। इससे गांव की हमारी बहनों को अतिरिक्त कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी, सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है और ऐसा करके हमने आपके
देशवासियों के 3.75 लाख रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है, एक खेमा एनडीए का जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी, मेरी बात समझ लीजिए, मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं।
कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों का, छोटे निवेशकों का, बैंकों का हजारों करोड़ रुपए हड़प लिया गया था। आपको खुशी होगी साथियों, हमने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए, कितने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, और अगर रिकॉर्ड मिलता है ये जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए जी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की ये धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरठ की इस धरती का, देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर मंगल पांडे की कर्मभूमि है। ये धरती धनसी कोतवाल जैसे शूरवीर की धरती है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी है वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है क्या? देश का भला कर सकता है क्या? देश को एक रख सकता है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई, भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस, सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। साथियों, चौधरी साहब ने अपना जीवन
किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। यहां तो इतनी बड़ी अनाज मंडी है, यहां की गुड़ की मंडी सारे देश में जानी जाती है। आप भूले नहीं होंगे कि कैसे आप गन्ना किसानों को परेशान किया गया। गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपए बकाया होना सामान्य बात हो गई थी। चीनी मिलों को धड़ाधड़ बंद किया जा रहा था, कोड़ियों के भाव बेचा जाता था। मोदी ने किसानों के साथ हो रही ये सारी हेराफेरी बंद करा दी है। साथियों, हम गन्ने की खेती को चीनी और गुड़ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम देश की हर गन्ना बेल्ट को देश की ऊर्जा बेल्ट भी बनाना चाहते। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, इसके लिए आज देश भर में काम हो रहा है। 10 वर्ष पहले सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 500 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल की खरीद बढ़ने से 10 साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले हैं। साथियों, हमारा निरंतर प्रयास है कि किसान की लागत कम और लाभ अधिक हो, इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए यूपी के किसानों को हजारों करोड़ रुपए की मदद की गई है। 500 करोड़ रुपए तो उससे भी ज्यादा अकेले मेरठ के किसानों को मिले हैं। आज यूरिया की जो बोरी दूसरे देशों में 3,000 रुपए तक में मिलती है, वही बोरी हम किसानों को सिर्फ 300 रुपए में भी, 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। आप सभी किसानों की भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए भी बीजेपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश में 2 लाख से ज्यादा गोदाम बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार मिलेट्स श्री अन्न के लिए जो अभियान चला रही है, उसका भी बड़ा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार आपके पैसे बचे इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हमने कम बिजली से ज्यादा रोशनी देने वाले एलईडी बल्ब की योजना बनाई। इसे गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में हजारों करोड़ रुपए बचे। अब हम एक नई योजना लेकर आए हैं और मैं तो चाहूंगा इस क्षेत्र के लोग इस योजना का भरपूर फायदा उठाए। हमारी नई योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत आपके घर का बिजली का बिल 0, फ्री बिजली हर परिवार को मिलेगी। इस योजना, अब योजना क्या है, घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लगभग 75,000 रुपए तक सरकार मदद करेगी। कुछ हफ्ते पहले योजना शुरू हुई है, अब तक 1 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और मैं वादा करता हूं चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार बनते ही मैं इस काम को और तेज करने वाला हूं।
ताकि आपका बिजली का बिल जीरो हो जाए। साथियों, ये भाजपा सरकार है जो इस पूरे क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। देश का पहला नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक बना है। आज मेरठ जिले से होकर तीन अलग अलग एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। मेरठ मेट्रो पर भी तेजी से काम चल रहा है। हमारा मेरठ फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड है। यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरठ एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन रहा है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में बन रहा है, उससे यहां हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के हमारे सभी साथी दलों ने भारी मेहनत की है। एनडीए ने इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमारे अरुण गोविल जी, राजकुमार सांगवान जी, संजीव बालियान जी, भाई चंदन जी, प्रदीप चौधरी जी, हमारे इन साथियों को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं। और इसलिए बैठ सकते हैं, इसलिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को आप गर्मी कितनी क्यों न हो, वोट डालने के लिए जरूर निकलना है। वोट डालेंगे ना, और ऐसे भी डलवाएंगे ना, घर घर जाएंगे ना, आपका वोट विकसित भारत के लिए होगा। आपका वोट देश हित में और बड़े निर्णय के लिए होगा। और इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, आप सब मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। साथियों, आप मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, चुनाव वाला काम नहीं है, करेंगे, पक्का करेंगे। मेरा काम बहुत छोटा सा है, आप घर घर जाना और हर घर जाकर के कहना, हमारे मोदी जी मेरठ आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम घर घर पहुंचा दीजिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आप सभी का बहुत।